ये मेरी फर्स्ट 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 मेरी सोलो राइड है, तो काफी एंजॉय कर रहा हूँ। तो नाश्ता करने वो घर से निकला था, अचानक में एकदम भयानक पैन हो गया था। थोड़ा नाश्ता कर रहा हूँ, साथ में पानी की बोतल। और एक इम्पोर्टेंट बात कि मेरे पास कैश, एक रुपया भी कैश नहीं है अभी, सब गूगल पेमेंट पे है। और जब तक मेरा मोबाइल है तब तक मतलब पेमेंट होएगा बाहर का। तो अभी नाश्ता करते फिर उसके बाद निकलते आगे की सफ़र। ये मेरा पहला सोलो राइड है और एकदम अचानक में एकदम भयानक मेरा राइड हो रहा है। तो प्लीज़ गाइस वीडियो एंड तक देखना। तो मैं जब भी इस रोड से सफ़र करता हूँ तो इस झाड़ के पीछे भोलेनाथ जी का स्टैचू है। तो यहाँ से मैं ये राज स्टैचू, तो यहाँ से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, दुआ मांगता हूँ भोलेनाथ जी से, और अपना सफ़र अच्छा हो बस। यहाँ पर रुक कर थोड़ा फ़ोटो वगैरह निकाल लेता हूँ, फिर आगे अपन निकलते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा फोटोशूट हो चुका है। मैं हमेशा इस भोलेनाथ जी का स्टैचू है यहाँ पर मैं आकर रुकता हूँ, फोटो लेता हूँ और दर्शन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे का सफ़र कंटिन्यू करता हूँ। तो चलो वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करना। ये मेरा पहला सोलो राइड है तो प्लीज़ वीडियो इन्जॉय करना और लाइक और कमेंट करना। तो निकल दे आगे के सफ़र पर। बड़े दिनों के बाद आज फाइनली व्लॉग कर रहा हूँ और ये मेरी फर्स्ट सोलो राइड है। मॉनसून की मेरी फर्स्ट सोलो राइड है। एक्चुअली प्लानिंग किसी और के साथ था मेरा आना, सुबह 5 बजे हम लोग उठे थे पर प्लानिंग कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद अलग प्लानिंग हो गया था, फिर मुझे उधर जाना अच्छा नहीं लगा तो मैंने अपने दिल की बात सुन ली और मैं आया यहाँ पर। मॉनसून में बहुत सारे आपको वीडियो मिलने वाले। तो ये मेरी फर्स्ट मेरी सोलो राइड है तो काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। तो आगे वीडियो देखते रहना। अभी मैं खड़ा हूँ एक पहाड़ के ऊपर जो बहुत ही डेंजर है, जो मेरे इस तरफ से एंड होता है और एक मिनट इस तरफ से डायरेक्ट एंड होता है। तो देख लो इस तरफ से रोड है, इस तरफ से भी रोड है और मेरे बैक साइड में पूरा रोड। मानसून में इधर बहुत मतलब बहुत धमाल होने वाला है और यहाँ का व्यू अभी देख लो। बारिश शुरुआत हो चुकी है पर अभी भी हरियाली हरियाली सब जगह है, मज़ा आ रहा है। सोलो राइड में मज़ा आ रहा है, खाली अपने दिल का सुनो और निकलो, रुको, फोटो खींचो। जो बैक साइड में जो लड़के लोग उन्होंने मेरा फ़ोटो खींचा यहाँ पर खड़े रह के, और यहाँ का प्लेस बहुत अमेजिंग है और मज़ा आ रहा है। मुझे आगे भी जाना है तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। ये मेरा बहुत अचानक प्लान हुआ था, देखते हैं आगे ये प्लान होने वाले। तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आगे से ब्लॉग कंटिन्यू आने वाले हैं। मानसून में कंटिन्यू ब्लॉग आने वाले हैं, बहुत सारे प्लेस है जो वहाँ पर घूमना है, विजिट करना है, एक्सप्लोर करना है बहुत सारी जगह।
तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। वैसे यहाँ का क्लाइमेक्स बहुत ठंडा है और मुंबई में अभी तक बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ पर पूरा ठंडा ठंडा एकदम ज़बरदस्त क्लाइमेक्स है। यहाँ पर वातावरण ज़बरदस्त है और सोलो राइड करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस, सीरियसली। मैंने आज तक कभी मैंने सोलो राइड किया नहीं है और मुझे ज़्यादा चिल्ला के बात करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेरा एक्शन कैमरा है उसको एक्स्ट्रा माइक नहीं मतलब इसका माइक नहीं लगा सकते एक्स्ट्रा, तो मुझे वो भी नया एक्शन कैमरा वो भी अभी इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में मुझे परचेज करना पड़ेगा, थोड़ा अपडेट लाना पड़ेगा मेरे सब गैजेट्स में मतलब कैमरा में। तो देखते हैं अभी क्या कैसे क्या होता है। पर एक बात पे सोलो राइड करने में काफ़ी मज़ा आता है गाइस। मेरा प्लान कुछ और था, कुछ और लोगों के साथ मैं जाने वाला था, मतलब मेरे फ्रेंड लोग के साथ जाने वाला था। मेरे दिल को अच्छा नहीं लगा, फिर मेरे दिल को जो अच्छा लगा वो मैं निकल पड़ा इस रोड पर। तो अभी अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पर अपना सफ़र एंड होने वाला है, अभी हम लोग वहाँ पर पहुँच रहे, बस 3 किलोमीटर की दूरी है, फिर वहाँ से अपना ब्लॉग एंड हो जाएगा। बस यहाँ तक आ चुके हैं, बारिश गिरी नहीं है और मेरे पास बारिश के लिए मतलब जो रेनकोट होना चाहिए मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर बारिश आ जाएगी तो मैं पूरा भीग जाऊँगा, मैंने कुछ लेके निकला नहीं हूँ। एकदम अचानक से मेरा प्लान हो गया कि चलो निकल पड़े, अभी घर से मैं पूरा रेडी होकर निकला था तो बोला अभी निकलते, दिल ने आवाज दे दी कि जाना है तो जाना है। और ये आ गया अपना फाइनल डेस्टिनेशन जो यहाँ पर अपना ब्लॉग एंड होने वाला है, एकवीरा देवी मंदिर लोनावला, कारला देवी मंदिर, एकवीरा देवी मंदिर वही कारला गांव। तो ये प्लान वाकई बहुत अचानक में एकदम अचानक में निकला हो गया था और इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि वहाँ से यहाँ तक आ गया, एकदम सफ़र अच्छा गया और जो क्लाइमेक्स है बहुत अच्छा है, बारिश गिरी नहीं वो बहुत अच्छी बात है। और बस सफ़र एंजॉय कर रहा हूँ और अपनी ये इसमें काफ़ी मुझे मतलब ये गाड़ी में मुझे काफ़ी मतलब जो चाहिए वो सब मतलब हो रहा है, मतलब अब समझ जाओ क्या कहना है मुझे, बस समझ जाओ। मेरी तो ख्वाहिश है मतलब कि एक सुपर बाइक भी नहीं, एक नॉर्मल एक बुलेट हो या हिमालयन हो, ये मेरी ख्वाहिश है। मेरी एक पसंद है कि हिमालयन मुझे बहुत पसंद है, बट फिलहाल इसमें काम चला रहे हैं अपन तो ये भी काफ़ी दमदार गाड़ी है, मेरी बहुत साथ देती है मुझे हर टाइम, तो मज़ा आ रहा है। अभी देखते हैं, मंदिर बंद ही रहेगा शायद से, तो पैर पड़ते वहाँ से और निकलते घर की तरफ। अभी मेरा वॉइस कितना रिकॉर्ड हो रहा है मुझे पता नहीं, पर चिल्ला के बात करना पड़ रहा है। देवी पायता मंदिर, ओके तो फाइनली मंदिर तो बंद था तो सब नीचे से ही जो पाय दर्शन बोलते पाय था तिकडे जाऊन दर्शन घेतलं आणि सोलो राइड करने काफ़ी मज़ा आया और ये प्लेस काफ़ी अच्छा, आप देख लो फोटोशूट के लिए एक नंबर, मतलब बहुत बढ़िया प्लेस है। देखो तो यहाँ पर मैं रुका हूँ, आराम करूँगा यहाँ पर रुकूँगा, अभी 4:30 हो रहे तो 10-15 मिनट यहाँ पर रुकूँगा, थोड़ा फ़ोटो वीटो लूँगा, लोकेशन बहुत बढ़िया है और निकलूँगा अपनी आगे की सफ़र के लिए। तो सोलो राइड करने काफ़ी मज़ा आया और अभी किसकी ज़रूरत नहीं कि किसको मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं कि चल भाई मेरे साथ, पर मेरा एक दोस्त है उसको वीडियो कॉल किया तो काफ़ी गाली देगा क्योंकि उसको आना ज़रूरी था, पर मैंने उसको कन्फर्म इन्फॉर्म नहीं किया कि जाना है करके।
तो प्लीज गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मेरे सामने का व्यू दिखा देता हूँ आपको, मेरे सामने कैसा व्यू है तो आप देख लो। एक मिनट बैक कैमरा कर लेता हूँ क्योंकि आपको नहीं दिखेगा यहाँ से, काफी अच्छा व्यू है यहाँ से। एक मिनट, काफी बढ़िया ऐसा व्यू है। एक अच्छी बात है कि आज के दिन बारिश किधर ही नहीं मिली, और मेरे पास देखो इतने सारे मेरा बैग था, बैग में मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लेके गया था क्योंकि प्लानिंग कुछ और हो गया था, और मेरे पास कैश भी नहीं था, बस गूगल पे के भरोसे पर निकला हूँ घर से, और सुकून मिल रहा है। तो गाइस यहीं पर दी एंड करते हैं मेरे फर्स्ट सोलो राइड का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना। अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, और सोलो राइड करने काफी मजा आया गाइस। और क्या बताऊं, और मंदिर में भी, मंदिर बंद है तो कोई नहीं यहाँ पर, तो सुकून से आराम से मैं आधा घंटा वहां पर ऊपर बैठा। अब निकला, अब बजे 5, तो मुझे और 2 घंटे लग जाएंगे घर तक पहुंचने के लिए, तो आराम से होकर जाऊंगा। और इम्पोर्टेंट बात की आज बादल बहुत साफ थे, बारिश नहीं था, एक अच्छी बात थी, और राइड करने काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी एंजॉय किया आज का राइड। बहुत दिनों के बाद मैंने चाहे से ये ब्लॉग, ये ट्रैवल, ये सफ़र मैंने बहुत, मतलब बहुत एंजॉय किया। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करना गाइस, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलो बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखना और मस्त मजे में लाइफ जीना। पुलिस ना मी इथंच वरती बसलेलो होतो, इथंच वरती आहे ना तिथे बसायला, तिथे बसलो होतो, आतील पुलिस बसू शकतो आपण।